हमारा नाम राम कुमार दत्त है, बिहार से आए हुए हैं। छोटा सा गांव है जितवारपुर, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। तो आप ये मधुबनी जो पेंटिंग्स बनाते हैं? हम लोग मधुबनी। इसके बारे में कुछ बताएं, मतलब कैसे बनती है? हमारा मधुबनी पेंटिंग पहले दीवार पे हुआ करता था, मीट की जो दीवार थी वो 60 साल 65 साल पहले शादी में जो जैसे आजकल के लोग डेकोरेट करते हैं, तो आजकल बहुत जमाना लेटेस्ट जमाना है तो फूल पत्ती से करते हैं। और हम लोग पहले शादी में दीवार पे पेंटिंग करके अपने घर को सजाते थे, ताकि हमारे यहाँ जो मेहमान आ रहा है वो हमारे घर के देख के खुश हो जाए। तो उस चीज़ को लेके जब दीवार पे से पेपर पे आए पेंटिंग्स, तो दीवार पे जो पेपर पेंटिंग किया हुआ था, एक डिजाइनर थी भास्कर कुलकर्णी, उन्होंने आई और देखी उस दीवार पे पेंटिंग, तो बोली ये बहुत अच्छा कला है, इस कला को यदि पेपर में लाया जाए या पेंटिंग बनाया जाए तो बहुत दुनिया में नाम ये पेंटिंग कमा सकता है। तो भास्कर कुलकर्णी जी ने हैंडमेड पेपर ला के खादी ग्राम उद्योग का जो ये पेपर है, ये पेपर ला के दिए और उन्होंने बोले जैसे आप दीवार पे गाय की गोबर से लेप लगाते हैं, उसी तरह इस पर भी गाय का लोग लेप लगाएंगे, उसके बाद आप पेंटिंग बनाइए तो बहुत अच्छा बनेगा। तो उन्होंने ये सारे आर्टिस्ट को दिए और पेंटिंग इतना अच्छा बनाई, जो जिसको पढ़ने भी नहीं आता है ना लिखने भी नहीं आता, अपना नाम भी नहीं लिखने आता, उन महिलाओं ने पेंटिंग इतनी अच्छी बनाई, जो उसको मार्केट में जब लाया गया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद रहमान साहब आए, रहमान साहब भी इसको प्रोत्साहित करने के लिए मधुबनी जितवारपुर में 6 महीना साल भर लगभग रहे, उन्होंने भी सारा प्रोत्साहित किया कलाकार को, काफ़ी हैंडमेड पेपर पर पेंटिंग बनाई है, ये बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस मिल रहा है मार्केट में। ये हमारे हिसाब से 1960 की बात है। हाँ 1960 से मतलब शुरुआत, तो ये शादी तो परंपरागत आ रहा है, वर्षों से आ रहा है, लेकिन ये पेंटिंग जो है पेपर पे जो है तो 1960 में ये लंच किया है इस पर। और उसके बाद में महिलाएं लोग एग्जीबिशन जो है सो करने के लिए दिल्ली आई, यहाँ पे प्रगति मैदान ही है, इसी ग्राम झांकी में लगा हुआ था, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई थी इसी के अंतर्गत, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो इस पर साड़ी जो पेंटिंग जो बनाते हैं, तो साड़ी बहुत अच्छा लगा उनको, वो साड़ी पहनी और उन्होंने सारे आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किए, ताकि ये लोग महिला लोग जो गांव गए तो बोले कि ये तो बहुत अच्छा सम्मान की बात है जो पेंटिंग बनाता था। तो हम लोगों को सम्मान मिलता है दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, अच्छे आदमी मिलते हैं, अच्छे आदमी से बात होती है, तो उसके बाद लोग एक दूसरे से देख के जो है ललक बढ़ी और उसके बाद पेंटिंग बनाना शुरू। कैसा कलर वगैरह कैसा यूज करने का बताएं? ये हैंडमेड पेपर, ये कलर जो है सो कटहल के छाल से नेचुरल कलर है, जो फूल पत्ती कलर जाता है, जैसे सिंघार का फूल होता है, उसका डंटल तोड़ेंगे तो ऑरेंज का जो है सो ये आता है, कटहल के छाल से भी और ऑरेंज का आता है, पोरो का साग आता है, जो पोरो का साग के अंदर बिया आता है उसको यदि निचोड़िएगा तो उसमें भी कलर आता है। तो फूल पत्ती की कलर से तरह तरह का फूल पत्ती छाल से ये नेचुरल कलर तैयार करके फिर आदमी पेंटिंग बनाता है। पेपर जो होता है इसके ऊपर आप पहले पेपर नॉर्मल पेपर लेते हैं? ये हैंडमेड पेपर है, 60% क्लॉथ है इसमें और 40% पेपर है जो कि खादी ग्राम उद्योग में बनता है। उसके ऊपर आप ये मेरा पेपर जैसे व्हाइट है व्हाइट के बाद ये व्हाइट में यदि पेंटिंग बनाएंगे तो आँख पर लगता है, तो अच्छा मतलब रिस्पॉन्स नहीं, बहुत आर्टिस्ट बना है लेकिन रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिला। जो दीवार पे जो हम लोग गाय की गोबर से लिपते थे, तो डिजाइनर का भी तो कुछ आइडिया था जो कि इस तरह से कीजिएगा तो पेंटिंग बहुत अच्छा बनेगा, उसी तरह हम लोग फिर उसके गाय की गोबर में गोंद मिलाते हैं उसके बाद उसको घोलते हैं, घोलने के बाद में सूती कपड़ा से कॉटन कपड़ा से उसको फिर उसमें डाल के फिर उसमें डस्ट ना रहे, गोबर में बहुत ज़्यादा डस्ट होता, उसको फिर वो लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड बनाने के बाद में फिर हम पोटली रखते हैं कपड़े का, उसके बाद ऐसे करते हैं बहुत लगा। ब्रशेज आप नॉर्मल यूज़ करते हैं कैसे? ब्रश तो पहले माचिस की तिल्ली में रुई लगा के पहले बनता था, क्योंकि ब्रश तो नहीं आया था उस समय, तो माचिस की तिल्ली में रुई लगा के फिर ब्रश जो है उसको ब्रश बना के यूज करते थे, और नीब जब नहीं आता तो नीब के बदले में बैम्बू स्टिक का नीब बनाते थे लोग, बैम्बू स्टिक का नीब बना के फिर ब्रश का काम हो गया रुई लगा के माचिस की तिल्ली में, और उसके बाद जो है सो नीब हो गया बैम्बू स्टिक का। यहाँ हम लोगों ने बहुत लोगों से बात की है, ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे
कि हमको अच्छा पैसा नहीं मिलता है, हमको अच्छा पहचान नहीं है, बाजार नहीं है, इस वजह से हम लोग जो है ये अब हमारी जो अगली पीढ़ी है वो नहीं करेगी और बहुत सारी पुरानी पीढ़ियों ने छोड़ दिया है। तो मधुबनी के बारे में क्या है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में क्या रहा, क्या वहाँ लोग काम करना चाहते हैं या वहाँ मूवी छोड़ना चाहते हैं, क्या है? काम तो करना चाह ही रहे हैं, चूँकि काम है, देखिए जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो लोग, उस तरह की उनकी मार्केटिंग व्यवस्था नहीं है गांव में। सबसे पहली मुद्दा जो गांव से उठ के जब तक ये कला बाहर नहीं जाएगी और उचित जगह पर नहीं जाएगी, तो न उचित आदमी आएंगे जो परचेज करने वाले हैं पेंटिंग, उस तरह के जो कस्टमर भी आना चाहिए। पेंटिंग ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ जगह पर ही बिकता है, आप इसको चाहेंगे कि चांदनी चौक पर बेच ले तो वहाँ नहीं बिकेगी। ये जो हैंडीक्राफ्ट का जो मार्केट है, जो उस सोच के आदमी आता है, जैसे क्राफ्ट म्यूजियम है तो यहाँ पर तो उस सोच के आदमी आएंगे जो कला का सामान यहाँ बिकता था नहीं है गांव में, जिससे कि सरकार परचेज करे कलाकार के हाथ से और वहाँ से कस्टमर लेके अपना घर में लगाए, ये कमी है थोड़ी सी मार्केट की। दूसरी चीज़ आप कह रहे थे कि मधुबनी जो है, क्योंकि इसको थोड़ा सा बाहर दूसरे आर्ट की अपेक्षा जो है बाहर, देखिए इसकी वजह से लोग बढ़ रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। इसमें ये क्या है, शुरू से ही मधुबनी पेंटिंग में एक किताब निकला हुआ था द आर्ट्स ऑफ मिथिला, जो इप्स बैकवार्ड साहब लिखे थे, जिन्होंने किताब लिखने के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था ये किताब। उसके बाद मुल्क राजानंद साहब लिखे मधुबनी पेंटिंग करके, तो वो किताब जो अच्छे घर में गई, अच्छी जगह पहचान बनाई, तो मधुबनी पेंटिंग का नाम ऑलरेडी बढ़ा। और दूसरी बात, जब ये ऐतिहासिक चीज़ है ये पेंटिंग, इसमें अवार्ड भी बहुत सारे मिले, जितने भी हिंदुस्तान में कला है, हमको लग रहा है जो हमारे हिसाब से आप वस्त्र मंत्रालय में मधुबनी पेंटिंग सबसे नंबर वन पे अवार्ड की, जो ही अवार्ड मिलेगा तो मीडिया में आएगी, पेपर पे आएगा, तो लोग एक दूसरे से जानने लगे, पहचानने लगे, तो इसकी प्रचार प्रसार होगा और पेंटिंग का नाम भी काफ़ी जगह फैला, चूँकि अवार्ड ज़्यादा मिला है, नेशनल अवार्ड, पद्मश्री, शिल्प गुरु, स्टेट अवार्ड, तुलसी अवार्ड, ये जो है क्या नाम है, आदित्य इनक्रेडिबल इंडिया, वो भी एक अवार्ड, इनक्रेडिबल इंडिया, ये सब अवार्ड मिलने के बाद में आदमी का प्रचार प्रसार हुआ, उस पर आदमी सारे लोग जाने की हम मधुबनी पेंटिंग है। और मार्केट में हर जगह, जैसे दिल्ली हाट आप जाइए, दिल्ली हाट में आप देखिए पेंटिंग लगा हुआ है, चार पाँच दस लगा हुआ है, तो एक चीज़ दूसरे चीज़ को देखते तो क्या चीज़ है जो इतना लगा हुआ, आखिर बिकता है तभी लगा हुआ है, तो उससे आदमी परचेज करते हैं और कलाकार का ही प्रोत्साहन। लेकिन कलाकार की उचित व्यवस्था नहीं है जो परचेज कर सके। क्राफ्ट म्यूजियम में एक बार एक महीने में एक आदमी को दिया जाता है, तब हजारों की जनसंख्या में कलाकार पहले थी, थोड़ा सा 10-5 कलाकार थे, 20 हुए, फिर 50 हुए, फिर 100 हुए, फिर 1000 हुए, फिर लाख में जाएंगे मधुबनी पेंटिंग आर्ट। तो उस जनसंख्या को बढ़ते हुए मार्केटिंग का व्यवस्था नहीं। तो पिछले 5 साल में कलाकार मधुबनी पेंटिंग के बनाने वाले घटे हैं कि बढ़े हैं? नहीं, जब कलाकार तो बढ़ ही रहे हैं, जो जनसंख्या बढ़ेगी हर चीज़ की रफ्तार है। पहले आपके गांव में कितने लोग थे, 5 साल में कितने लोग हो गए? देखिए हमारे गांव में पहले की अपेक्षा पेंटिंग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पहले कम बनाते थे, अब ज़्यादा बनाने लगे हैं, अब ये आमदनी का स्रोत हो गया, तो लोग उस चीज़ को समझते हैं जो एक मेरा आय हो गया, आमदनी हुआ, एक पेंटिंग बना लेंगे तो 100 रुपया हमको मिलेगा। तो ये बेचने वाले जो जैसे जो जाते हैं खरीदने के लिए, वो तो उतना ही देते हैं पैसा, डायरेक्ट कस्टमर उनको खरीदते हैं तो उनको मिलेगा ज़्यादा, आते ही बाहर से भी आते हैं कस्टमर जो यूएसए, लंदन, जापान से भी आते हैं, और जापान के जो हाशीगावा थे उन्होंने भी मिथिला म्यूजियम खोल रखा है जापान में। अच्छा। मिथिला म्यूजियम है जापान में, कोई ऐसा शहर है इसमें मिथिला म्यूजियम है, सारे मिथिला कलेक्शन है वहाँ पर। हाँ, तो उसमें ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से एक ट्रेनिंग स्कीम है जिसको ATS बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, जो नेशनल अवार्डी है, स्टेट अवार्डी है, उनको ट्रेनिंग ये मिलती है, जो बच्चे को आप सिखाइए या कोई औरत सीखना चाहती है तो उसके लिए सरकार की तरफ से 2000 रुपये पैसा भी मिलता है सीखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। तो ट्रेनिंग जब 2, 4, 10 चली ज़्यादा, उस ट्रेनिंग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, एक तो पैसा मिलेगा 2000 रुपये मंथली, दूसरी बात सीखेंगे तो इससे जीवन का उपार्जन होगा। तो उस माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से जो ज़्यादातर कलाकार तैयार हुआ, एक साल में एक ट्रेनिंग हुआ, दूसरे साल में दूसरा ट्रेनिंग हुआ, तीसरा ट्रेनिंग हुआ,
चौथा ट्रेनिंग हुआ, तो उस ट्रेनिंग जो स्कीम थी उस ट्रेनिंग से कलाकार ज़्यादा बढ़े। सबसे पहली बार जो 2000 रुपया मिलता भी था, उसके बाद सर्टिफिकेट भी मिलता था कि ये आर्टिस्ट हो गई, उसके बाद वो आई कार्ड बनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, तो उसमें सहयोग मिलती है जो कि ये ट्रेनिंग किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, 6 महीना का ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग से आई कार्ड बन जाता है। एक तो ट्रेनिंग मिला उसमें प्रोत्साहन मिल गया, उसके बाद आई कार्ड बन गया उससे प्रोत्साहित हो गया। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में जो पेंटिंग जो बेचते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी जाते हैं जितवारपुर तो परचेज करते हैं, तो उससे प्रोत्साहन बढ़ा, तो कलाकार ऑलरेडी जो है सो बढ़ते गया, क्योंकि पैसा इससे जब आना था, कोई चीज़ बनाने से यदि पैसा आता है तो उससे मनोबल बढ़ता है, तो उस तरह से कलाकार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब जो लोग अपना बाकी और भी काम करते हैं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, जैसे काम ये जो कुछ महिलाएँ हैं, गरीब महिलाएँ हैं, पासवान हैं, जो अनलिटरेट हैं, जिनको अपना नाम भी लिखने नहीं आता है, और वो खेत में काम करने के बाद जो समय मिलता है तो उसमें वो पेंटिंग बनाती है। पेंटिंग बनाने के बाद में वो कहाँ रख देती है पेंटिंग? तो जहाँ खाना बनाएगी उसके जस्ट ऊपर में। तो उसको उनको ये नहीं है कि हम इतना अच्छा चीज़ बना ली, लेकिन कोई विदेशी आ गए या कोई खरीदने वाले, उनको दिखाने के लिए गया तो उनको वो सबसे अच्छा लगता है उनको, क्योंकि दिख भी अच्छा पेंटिंग है। हम भी दावा करते हैं, क्योंकि हम 20 साल से इस लाइन में हैं, हम कला देख रहे हैं, हम कला का बहुत कलेक्शन किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्शन किए हुए, 10 गांव का कलेक्ट किए हुए पेंटिंग्स का। लेकिन हमारे हिसाब से जो आती छोटा छोटा महिला, तो ये जो थीम उन लोगों का जो है, हम तो हमारे हिसाब से उन लोगों को भगवान का एक देन ही मानते हैं, जो कला जो विरासत में जो उपजती है, जो उन लोगों के शरीर में उपजा हुआ कला है, ये टैटू है। महिलाएँ जो गुदना गुदवाते हैं, ये पेड़ बना देती है, ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं इसको, तो ये सब देखिए, उसी पासवान फैमिली का पेंटिंग है, ये देखिए, ये देखिए, ये बटरफ्लाई का सीन दी है, कोई आया समझाने के लिए, तो ये इतना अच्छा लगा लोगों को, विदेशी को, इंडियन को, बहुत अच्छा लगता है ये पेंटिंग देखिए। और इसमें आप अपना कुछ ब्रशेज और उसके बारे में बताएं? ब्रश ये मेरा ब्रश जो है माचिस की तिल्ली में रुई लगा के, फिर उसके बाद जो नेचुरल कलर जो तैयार किए हुए हैं उसमें डुबो के फिर जो है सब कलर भरते हैं। और निब जो है सो बैम्बू स्टिक का है, बैम्बू का जो स्टिक होता है उसको फिर चाकू से काट के कलर बनाते हैं। ये और ये जो लाइनें आपने बनाई हैं, ये फ्री हैंड कोई स्केल नहीं यूज होता है, कोई आर्टिस्ट स्केल यूज नहीं होता है, ना कोई पेंसिल यूज करता है, ऑर्गेनिक हो गया एक तरीके से, मतलब जिसको बोलते हैं नेचुरल कंप्लीट। हाँ, नेचुरल है, टोटल नेचुरल, नेचुरल विरासत, नेचुरल ब्रशेज और विरासत में जो आए हुए नेचुरल, जो उनकी हेरिडिटी बोला जाएगा, वो उनकी कला आया हुआ है, ये तो बात सत्य है। कोई भी आर्ट को प्रमोट होगा तभी तो आदमी आगे बढ़े। जो हमारे मधुबनी हो या राजस्थान की पेंटिंग हो, चाहे उड़ीसा की पेंटिंग हो, चाहे वो गोंद पेंटिंग हो, चाहे वो बंगाल का पटचित्र करके आता है बंगाल का, वो जब भी कोई पेंटिंग बनता है, जो कोई कलाकार बनाता है, उसका सामान बिक जाता है, तो बहुत खुशी मिलती है कलाकार को, हमने जो बनाया अपने मन से वो कोई कदरदान इसको खरीद लिया, तो उससे खुशी मिलती है। तो मार्केटिंग का तो प्रॉब्लम है ही हर आर्टिस्ट के साथ, जो आर्टिस्ट होते हैं एक्चुअली में गरीब होते हैं, उनकी उतनी पहुंच नहीं हो पाती है ना उस जगह के, नेट का आजकल का ज़माना हो गया, कंप्यूटर पर लोग नेट पे जो है तो सेल कर लेते हैं, उनकी नॉलेज नहीं है उस तरह की, तो भाई अपना पेंटिंग यदि नेट पे डालेंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा, उनको शिक्षा की अभाव होती है, जिस वजह से वो उस जगह तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक कि इसकी कदर है। तो अच्छा ही लगेगा, चूँकि आप प्रमोट करेंगे, हमारा प्राइस अच्छा मिल जाए हमारी पेंटिंग का, तो एक आप प्रोत्साहित ही करेंगे आर्टिस्ट को, हमारी कला को यदि आप नेट के द्वारा बेच रहे हैं। एक युग था जो आदमी फ़ोन से बात करता था, लेड लाइन से, मोबाइल हो गई है, अब हो गया नेट, तो नेट से यदि पेंटिंग बेच के यदि आप कलाकार को दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रोत्साहित वाली बात है कलाकार के लिए।